अस्सलाम वालेकुम आदाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। जैसा कि अपडेटेड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी सभी उन कैंडिडेट्स की जो भी एलिजिबल थे एडमिशन लेने के लिए 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज, जिसमें GNM, ANM, PM, MRT 2021 के लिए जितने भी कोर्स थे। और यहां पर काउंसलिंग GNM कोर्सेज के लिए थी। तो आपसे जिस दिन ये नोटिस आया था उस दिन भी हमने डिस्कस किया था, और जो काउंसलिंग की डेट्स भी आई है वो आप सबसे शेयर करनी थी। यहाँ पर जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी, यहाँ पर सभी उन कैंडिडेट्स की जो भी 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट पैरामेडिकल जो भी यहाँ पर आपके कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, UT में। तो यहाँ पर 5th अगस्त 2021 तक सभी कैंडिडेट्स को कहा था कि अगर कोई भी उनको यहाँ पर ऑब्जेक्शन हो तो वो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली जो सभी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स के लिए आ चुकी थी, जो भी GNM कोर्स के लिए यहाँ पर जो काउंसलिंग के लिए जाना चाहते थे। तो 25/8/2021 से रैंक 2 से लेकर रैंक 5, 6, 7 रैंक तक जो है कैंडिडेट्स जाएंगे GNM कोर्स के लिए सिर्फ। उसके बाद 5, 6, 9 रैंक से लेकर 1, 1, 3, 5 रैंक तक। उसके बाद 27/2021 से रैंक 1, 1, 3, 6 से लेकर 1, 6, 7, 4। उसके बाद 28/2021 को जो रैंक 1, 6, 7, 5 से लेकर 2, 1, 9, 8 तक वो कैंडिडेट्स जाएंगे। 29th को 2, 1, 9, 9 से 2, 7, 2, 9 तक। उसके बाद इसी तरह 31st को भी, और लगभग 4th of September तक आपका जो है रैंक 4, 7, 9, 8 से लेकर 5, 3, 1, 9 तक जा सकते हैं। वहीं यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर बोर्ड की तरफ से कहा गया है जो उन कैंडिडेट्स के नाम जो कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो नहीं है उनके नाम, जो के डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट जैसे 12th क्लास मार्क्स कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट जो अपलोड नहीं कर पाए, तो वो 5th अगस्त 2021 तक तो उनका नाम जो है इस मेरिट लिस्ट में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं उनको BOPI ऑफिस जम्मू या श्रीनगर में फिज़िकल काउंसलिंग के लिए जाना है, ठीक है ना। 8:30 AM से लेकर 10:30 AM तक जो भी डेट्स मिली हैं उनको, ठीक है। कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी है उनके पास वो लेकर जाएं, ठीक है ना। अलाटमेंट ऑफ सीट्स जो है वो आपको यहाँ पर जो भी अलाट की जाएंगे उसके लिए डेट दी जाएगी, उससे पहले पहले आपको जो है वो जाना है। और सीट मैट्रिक्स कि कितनी सीट्स कौन से कॉलेजेस में, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो सीट्स को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, तो उनके लिए जो है सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, वो आप सबसे हम भी शेयर कर देंगे जब ये सीट मैट्रिक्स आया, ओके। बाकी यही है। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि हमने GNM पहले चूज़ नहीं किया, हम जा सकते हैं? नहीं, जैसे कि बात करें हम यहाँ पर रैंक 1 जो है, ठीक है ना, तो इनका जो है 98.80% है, बट यहाँ पर इन्होंने GNM के लिए ऑप्शन में नहीं यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो ये नहीं इनका। देखिए आप रैंक यहाँ पर लिखा हुआ है रैंक 2 से, तो रैंक 1 नहीं दिया गया क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में सेलेक्ट ही नहीं किया था कि GNM के लिए काउंसलिंग के जाना चाहते हैं या नहीं, ठीक है ना। उसी तरह ANM, MRT के लिए ये नहीं जाना चाहते, तो ये PM जो यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनके लिए जाएंगे, ओके। तो इसी तरह जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने डेट्स पर जो है वो काउंसलिंग के लिए जाएंगे। बेस्ट विशेज़ आपके लिए। कोई और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आएगी तो ज़रूर शेयर कर देंगे हमसे। अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए, वहाँ पर JKNET Hub एग्ज़ाम स्टडी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, या फिर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर भी हम आप सबसे डिस्कस करते हैं, ओके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।